हेलो बच्चों, आज हम आपको गुड मैनर्स इन इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स या वर्ड्स बताएंगे जिसका आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करके दूसरे व्यक्ति पर एक अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी तरह से मोटिवेशन कर सकते हो। जैसे हम किसी व्यक्ति से हम बातें कर रहे हैं, हम उनसे प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर एक अच्छा अपना प्रभाव जमा सकते हैं, क्योंकि आजकल अंग्रेजी का बोलचाल ज़्यादा है और अंग्रेजी बोलने में हर एक कोई अपनी अच्छा अपना गोल में समझता है। तो यहाँ पर जैसे अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट इज राइट, इन शब्दों का यूज करके हम दूसरे व्यक्ति पर एक अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे हमें किसी से कोई वस्तु लेनी है, जैसे मैंने किसी से पेन लिया है तो हम उसको कह सकते हैं, मे आई हैव योर पेन प्लीज। मैं उससे कोई पेन मांग रहा हूँ उसका, तो मैं उससे मांग कह सकता हूँ, मे आई हैव योर पेन प्लीज, या इसे हम यो भी कह सकते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए, यो भी कह सकते हैं। या फिर यहाँ पर मैंने किसी से एक ग्लास वाटर मांगा तो उसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, प्लीज गिव मी अगले ग्लास ऑफ वाटर, या इसे हम यो भी कह सकते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। दोनों सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे इसी प्रकार जैसे हम कोई हमारे पास वॉच नहीं है, हम हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, उसे समय पूछे क्या टाइम हुआ, तो हम इंग्लिश में सेंटेंस व्हाट इज द टाइम प्लीज प्लीज इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर हम उसे टाइम प्लीज भी कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो आपसे बहुत ही प्रभावित होगा। जैसे ये यदि आपको कोई चीज पीने के लिए दी जाती है और वो आपको पीने के लिए कह रहा है तो आप कह सकते हैं, यस आई विल ड्रिंक इट, या शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट रूप में इसे कह सकते हो, यस प्लीज। इसी प्रकार यदि आपको आप किसी व्यक्ति का धन्यवाद कर रहे हैं, आप उसको कि उसने आपसे कुछ कहा है और आप उसे साधारण रूप में कुछ नहीं कहेंगे तो यह समझेगा वो बहुत ही घमंडी बच्चा है, तो आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक्स बोल सकते हैं, या यहाँ पर एग्जाम्पल के ऊपर मैनी मैनी थैंक्स टू यू बोल सकते हैं, या कि किसी व्यक्ति ने आपको कोई गिफ्ट दिया है आप चुपचाप रख लोगे कुछ नहीं बोलेंगे तो यह कह बड़ा लड़का शरारती है, घमंडी है, कुछ नहीं बोल रहा है, इसने तो मेरा कोई अभिवादन नहीं किया, तो आप थैंक यू या थैंक्स बोल सकते हैं लास्ट में, या मैनी मैनी थैंक्स टू यू बोल सकते हो, या थैंक यू वेरी मच बोल सकते हो। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपसे परिचित हो रहा है या किसी कोई वस्तु आपको दे रहा है और वो आपको रिसीव कर रहा है, आपका वेलकम कर रहा है, तो आप उसका उत्तर दे सकते हो, नो थैंक्स कह सकते हो, थैंक कह सकते हो, इट्स ऑल राइट कह सकते हो, नो मेंशन कह सकते हो, इट्स फाइन कह सकते हो, ये बहुत अच्छी है, माई प्लेजर कह सकते हो, वेलकम कह सकते हो, और या यू आर वेलकम कह सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे यस यू आर वेलकम विद ग्रेट प्लेजर, तुम्हारा स्वागत है बड़ी खुशी के साथ, उसका जिससे उस क्या सम्मानित वर्ष होगा और उस पर अच्छा इम्प्रेशन होगा और वो आपको बहुत लाइक करेगा। इसी प्रकार यदि आप दूसरे व्यक्ति की हेल्प करना चाहते हो तो इंग्लिश वर्ड्स का किस प्रकार इस्तेमाल करोगे, उससे कह सकते हो, मे आई हेल्प यू। यदि आपके बाद कोई दूसरा व्यक्ति आना चाहता है या दूसरे व्यक्ति को आप उससे पहले भेजना चाहते हो या उसके बाद भेजना चाहते हो तो आप कई वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप सॉरी या एक्सक्यूज मी या पार्डन इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई धीरे बोल रहा है तो आप उसे बीच में डिस्टर्ब करके, बीच में रोक स्टॉप करके सॉरी स्पीक लाउडली कह सकते हो, एक्सक्यूज मी आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, यदि वो कोई स्पीच दे रहा है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो बीच में आप स्टॉप करके उसे अच्छी लैंग्वेज में एक्सक्यूज मी वर्ड्स का इस्तेमाल करके कह सकते हो, एक्सक्यूज मी आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। इसी प्रकार यहाँ पर आप किसी कमरे में जाना चाहते हो, किसी कमरे में कोई व्यक्ति बैठा है तो आप उससे किस प्रकार परमिशन मांगोगे, उससे आप कहेंगे मे आई कम इन प्लीज, और वो कहेगा इसके बदले में यस प्लीज कम इन, ये आप बैठे हो तो आप इन वर्डों का इस्तेमाल करोगे। और इसके बाद कोई भी वर्ड्स है वो कोई कुछ कहना चाहता है तो आप अपनी तरफ से ऑफ कोर्स कह सकते हो, ऑफ कोर्स कह सकते हो। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लासें अच्छी लगी होंगी, इससे
जो आ गए हैं मैं उनको अगली क्लास में लूँगा। वेरी वेरी थैंक्स।